बनारस के मंदिरों के दर्शन के बाद एक में हमने दर्शन किए थे दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर और मणि मंदिर। और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और आज हम आए हैं दुर्गा कुंड में ही स्थित त्रिदेव मंदिर दर्शन करने के लिए। तीन देवों के स्थापित होने के कारण इस मंदिर का नाम त्रिदेव मंदिर है। और इस मंदिर में भगवान श्री सालासर बालाजी, श्री खाटू श्याम जी एवं माता रानी स्तुति स्थापित है। महाभारत के युद्ध के दौरान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी को यह वरदान दिया था कि कलयुग में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हें श्याम के नाम से जानेंगे। हालाँकि इन्हें कलयुग का भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया। काशु को प्रसाद मिला है, हमको प्रसाद मिल गया है और काशु मिश्री में लगी हुई है माता जी। ठीक है, अच्छा है। और हम तीनों ने पहली बार ही भगवान श्याम के दर्शन किए। आज कुछ भीड़ कम नहीं लग रही है, या तो संडे जो घाट पर पानी ऊपर आ गया है। मंदिर की दीवारों पर श्री राधे कृष्ण का बहुत ही भावपूर्ण चित्रण किया गया है। क्या कहना चाहिए? राजस्थान में माता रानी सती दादी जी के रूप में प्रसिद्ध हैं और इन्हें लोग माता दुर्गा का अवतार और एक शक्ति का प्रतीक मानकर पूजा करते हैं। काफी टेस्ट ठीक है, बालाजी का येलो कलर भी पिंक। बहुत ही भव्य मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हो। और काशु को तो बहुत मजा आ रहा है, काशु का जाने का मन नहीं है। काशु चले, काशु चले, भैया आ गया। सारे बच्चे बंदे बंदे महसूस करते हैं गोदी में। सालासर बालाजी भगवान शिव के अवतार हैं और इस मंदिर में दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर में। ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, इसीलिए इसे तुलसी मानस मंदिर कहा जाता है। पूरी तरह से संगमरमर से बने इस मंदिर का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा सन 1964 में किया गया था। और ये बहुत थोड़ी सी दूर पर है जहाँ अभी हम गए थे। कहाँ गए थे अभी हम? जय जय करने गए थे। अभी हम त्रिदेव मंदिर गए थे और ये उससे थोड़ी ही दूर पर है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। आओ
मंदिर में श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी विराजमान हैं। मंदिर की दीवारों पर संपूर्ण रामचरितमानस लिखा गया है। मंदिर में स्वचालित प्रदर्शनी बहुत ही भव्य है। अब हम मंदिर परिसर के द्वितीय तल पर आ गए हैं और यहाँ पर श्री राम और श्री कृष्ण की भव्य लीलाएं स्वचालित प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाई गई हैं। इस स्वचालित प्रदर्शनी या झांकी को देखने के लिए 10 रुपये का एक शुल्क निर्धारित किया गया है और 5 साल तक के बच्चों के लिए ये फ्री है। श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन के प्रसंगों को बहुत ही भव्य तरीके से झांकी में दिखाया गया है। निद्रा मग्न कुंभकर्ण, भक्त ध्रुव, गणेश जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी और नृसिंह और कालिया दमन श्री कृष्ण द्वारा। माखन चोर द्वारा मटकी फोड़ना और कृष्ण जी की रासलीला, सभी दृश्य बहुत ही सुंदर हैं और अलौकिक। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, जय श्री कृष्ण। डर भी लग रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? जय श्री कृष्ण। नहीं, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो चले। और अब दो जगह के दर्शन करने के बाद हमको लग गई है भूख, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था दर्शन की वजह से। तो हम कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा।
काफी यम्मी है जमीन। और अब हम आ गए हैं बनारस के इस्कॉन मंदिर में। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ। इस सोसाइटी की स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने सन 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में की थी। इसे हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। हरे रामा हरे कृष्णा। मंदिर परिसर में अभी निर्माण कार्य जारी है और ये है कुछ मंदिर का प्रस्तावित ढांचा, जिस तरह से मंदिर बनके तैयार होगा। ये अभी मंदिर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है और ये काशी ने एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया है। लिखा है इसे जय श्री कृष्णा, मंदिर बन रहा है अभी प्रपोज साइट। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और लोही मंदिर के बारे में जान। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।